ये किचन डेकोर मैं अपने फ्रेंड इंद्राणी कुक्स के लिए बना रही हूँ। जो प्रोसेस है ये गम से ये ग्लासेस लगाना, वो मैंने धीरे धीरे किया। ये काफ़ी फाइन वर्क होता है, छोटा छोटा बारीक काम, जहाँ तक हो सके एक गजहिन सा डिज़ाइन बनाना था मुझे। ये धीरे धीरे मैंने करके लगाई मैं, और इसी के साथ जैसा जो मोज़ेक आर्ट का प्रोसेस होता है वही वाल पुट्टी घोल घोल नहीं, थोड़ा दो से भी थोड़ा पतला इसमें लगा कर ये अभी मैं उसको तैयार कर रही हूँ। मैं अभी बिरला वाला वो यूज़ कर रही हूँ, वाल पुट्टी बहुत अच्छा होता है। हल्का सा कलर डाला है मैंने, एक ड्रॉप डालने से इतना हल्का सा कलर आ जाता है, और इसमें मैंने उसमें लगाया। जो ये लगाना ही थोड़ा इसका कठिन है, कठिन मतलब कि आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि शीशे के अंदर तक जाना चाहिए डो। उससे क्या है, ये जब सरफेस जब प्लेन जब आप उसको निकाल के आओगे तो निकालोगे तो ये मेरे पास तो उतने टूल्स होते नहीं है, मैंने ये बटर वाला ये नाइफ से ही किया, और ये थोड़ा गीले कपड़े से मैं सूखने के बाद ये शीशा घिसने से थोड़ा शीशा निखर आता है पूरा। देखिए पूरा क्लीन हो गया और बिल्कुल इक्वल सा आता है। और ये मैं सैंड पेपर से इसको रब करी, जो यूटेंसिल्स दो लगाए थे, क्योंकि किचन डिकोर है दो यूटेंसिल्स लगाना ही था, तो उसको मैंने किया। फिर ये मैं हैंडमेड जिसो मैं घर ही में बना लेती हूँ, हल्का सा वाल पुट्टी डो का घोल बना के, और उसमें फेविकॉल फिट में डाल देती हूँ कि उसका टेक्सचर थोड़ा अच्छा आता है, और हल्का सा कलर मैं उसी में डाल दिया। इसका बैकग्राउंड कलर मुझको कुछ करना नहीं पड़ा। देखिए रेड कलर से ये ऐसा पिंक टाइप का कलर आया है, ये सामने से देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, पता नहीं कैमरे में कैसा आ रहा होगा आपको। और ये मैंने इसके ऊपर कलर करे। और हाँ, मेरे फ्रेंड के बारे में थोड़ा बताएं, ये इंद्राणी मेरी बचपन में क्लासमेट है, और अभी हम लोग बड़े होने के बाद फेसबुक के जरिए मिले फिर से, बहुत दिन के बिछड़ने के बाद मैं मिली। और ये मुझे सबसे ज़्यादा यादगार जो है कि आजकल लोग अपने आप को पहचानना अपनों को नहीं पहचानते, और ये कब से बिछड़ी है मेरे से और मुझसे पूछी क्या तुम पहचानी मुझे, और मैं ओवरवेल्म थी, मुझे मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास। और आपको इस उम्र में आके हम लोगों को दोस्तों से मिलना बहुत बहुत मायने रखता है। हम घर संसार के चिंता में उलझे रहते हैं, और उसमें ये ऐसे दोस्त मिलना जो हमको अंधेरे से खींच के निकाले, दुखी हो सैड होने ना दे, और समय असमय पर परामर्श, क्या बताएं मुझे शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ एज अ फ्रेंड इसका कोई जवाब ही नहीं है, ये मैं बता सकती हूँ। बहुत अच्छा दिल है इसका, क्वीन हार्टेड गर्ल, और इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा स्टाइलिश उसका किचन है। तो मैंने मुझे बहुत दिन से शौक था कि उसकी किचन के लिए कुछ डेकोर बनाऊं, और क्योंकि स्पेस भी तो ज़रूरी होता है ना, उसका बहुत बड़ा सा किचन है, तो मैंने सोचा कि ये डेकोर एक बनाऊं, उसमें उसके चैनल का भी नाम लोगो टाइप बना दूँ। तो इसीलिए मैंने ये इंद्राणी कुक्स का लोगो डाला था, और इसमें जैसा आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे बनाना था वो बनाया, वो प्रोसेस ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस आप देखिए बनके तैयार हुआ कैसा लगा आप हमको बताइए, और आप भी अपने किचन के लिए अपनों के किचन के लिए बनाकर देखिए, मन अच्छा रहता है, कुछ जो आपको मन हो वैसा ही लिखिए, लिख के बना कर देखिए, अच्छा लगता है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब देखिए इसका फाइनल लुक। फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।